विश्व सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भव्य आयोजन करिथिबा देश मध्य भारत दुनिया अष्टम देश। ग्रेटर नोएडा सेमीकॉन इंडिया 2024 उद्घाटन अवसर कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिवर्ष देश में 85,000 टेक्नीशियन इंजीनियर्स और रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपोर्ट को नहीं सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स प्रस्तुत होती। सरकार पक्षर 1 ट्रिलियन टंकार स्वतंत्र गवेषणा पांठि कर भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्षेत्र में एक बड़ भूमिका निर्वाह करने मोदी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी केंद्र सरकार 50% सहायता करथुवा बेले राज्य सरकारक मध्य निज स्तर में सहायता जोगाई देबे। बहुत कम समय क्षेत्र में 1.5 ट्रिलियन निवेश प्रस्ताव आछि। विश्वर समस्त इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण में भारत में निर्मित चिप रहिबा हमर स्वप्न बोली कहते प्रधानमंत्री मोदी। सेपरि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लगी भल परिवेश सृष्टि करबाकू उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू होइतबा कहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आज भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्कों में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।